तीन मिनट आपने मेरी बात सुननी है। नौजवानों, आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। तीन मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि यह आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप कंपीट करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब आपको आज ये मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया, ये बढ़ाता जाना है। यूनियन काउंसिल तक नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी वो ये कि देखिए, जिंदगी मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है, आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है, और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है। जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है, और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है, चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है, दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो, और जो हार से सीखता ना हो। अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता तो मैं 22 साल सियासत में मुकाबला ना करता, बहुत पहले हार मान चुका होता। और अगर मैंने स्पोर्ट्स से मुश्किल वक्त का मुकाबला करना ना सीखा होता तो ये जो 1.5 साल में हुकूमत मिली है, बड़ी पहले मैं हाथ खड़ा करके कहता मैं ये मुकाबला नहीं कर सकता, घर चला जाता। सो नौजवानों, आपके लिए ये हमेशा याद रखना, ये याद रखना कि आप जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है
وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس میں گھبراتا نہیں ہے, دل برداشتا نہیں ہوتا, ڈیمورلائز نہیں ہوتا, سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے. اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں. اور اسی طرح ایک قوم, جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور جب ایک بزنس مین, ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنس میں, کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنس مین تباہ نہیں ہوتا. جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شارٹ کٹ لیتا ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, وہ فریب کرتا ہے, وہ اس کو ختم کرتی ہے. تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں, وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے, اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے. بہت بہت شکریہ. عمران خان.